मैं मिश्रा जी ने कहा था, मैं उस बात से बहुत सहमत हूँ। मिश्रा जी ने बिल्कुल बिंदु बार बात कही है, वो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को हजम नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई ने हजम नहीं होती। अब एके मिश्रा जी, क्योंकि जाट वोट बैंक बहुत बड़ा है हमारे देश के अंदर। नहीं, प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा जी। एक्चुअली है क्या, देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है, अभी नहीं बहुत पहले से। आप ये देखिए, कभी मी टू का कैंपेन चला था और राजनीति में भी होता है, कॉरपोरेट आए दिन मतलब इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। निर्णय क्या होगा ये जांच के बाद पता चलेगा। माननीय कोर्ट या जो भी जांच की एजेंसी है या जो भी समिति वगैरह बनाई गई है, जी लेकिन दो तीन इस तरह के मुद्दे हमेशा आते रहते हैं। देखिए दो तीन बड़े सेंसिटिव पॉइंट मैं बोलूंगा। मैं न बीजेपी न कांग्रेस के फेवर में बोल रहा हूँ, न मैं किसी को दोषी या मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ। इस तरह की जो बातें होती हैं उसपे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोर्ट का ये भी आदेश है कि जो पीड़िता होती है अगर वो महिला है तो उसका नाम तक उजागर नहीं किया जाता है, उसके चेहरे को नहीं दिखाया जाता है। राजनीति करने वाले वहां जाकर के ये तो और छीछा लेदर कर रहे हैं इज्जत की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे ये मी टू वाला कैंपेन रहा हो चाहे अब रहा हो, आप एक उदाहरण देखिए, सड़क चलती हुई एक मतलब सबसे असहाय महिला को भी आप छेड़ दीजिए तो समाज बर्दाश्त नहीं करता है, तुरंत 100 नंबर पे फोन करके पुलिस आ जाती है और पुलिस भी बर्दाश्त नहीं करती है। मेट्रो में, बसों में अगर इस तरह की घटना होती है तो आप देखते हैं कि सड़क पे ही चप्पलों से पिटाई होने लगती है। भारतीय महिलाएं इतनी निर्भीक है इस चीज के लिए, बहुत सेंसिटिव है, और भारतीय समाज पुरुष भी वहां उनका साथ नहीं देते हैं। इतने बड़े बड़े पहलवान जिनके साथ इतने बड़े बड़े राजनेता हैं, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं किया? 100 नंबर उस वक्त भी था, ये दिल्ली की पुलिस हरियाणा की पुलिस उस वक्त भी थी, तो इनसे भी एक सवाल पूछा जाए कि आपने उस वक्त क्यों नहीं शिकायत दर्ज कराई, पहली चीज। और 5 साल 4 साल 10 साल के बाद आप ये शिकायत दर्ज करा रहे हैं जबकि सारे साक्ष्य भी खत्म, इतने दिन में तो सारे साक्ष्य भी खत्म हो सकते हैं ना। कानून या साइंस भी जो है फिर उन चीजों का जो साक्ष्य है वो इकट्ठा नहीं कर सकता, सिद्ध नहीं कर सकता। तो क्या आपका मनोबल कम था? जो पीड़िता है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप विश्व विजय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उस वक्त आपने क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त जानबूझ करके आपने कंप्रोमाइज किया? अगर कंप्रोमाइज है, रजामंदी से है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें गलती फिर कंप्रोमाइज करने वाला, आप क्यों समझौता कर रहे हो सफलता के लिए? सफलता गई भाड़ में, जहां आपको किसी भी तरीके से आपको अपने सिद्धांतों के ऊपर समझौता करना पड़े। और फिर 500 राजनीतिक नेताओं को बुला करके, मैं दोनों पक्षों को बोलना चाहता हूं कि भारतीय परंपरा और संविधान में विश्वास रखिए। नारायण दत्त तिवारी को बुढ़ापे में शादी करनी पड़ी थी जब वो अपने मृत्यु शैया पे पड़े हुए थे। ये भारतीय संविधान की ताकत है, न्याय की ताकत है। नारायण दत्त तिवारी इसके क्लासिक एग्जाम्पल है कि उनको तब शादी करनी पड़ी जब उस महिला ने बोला और उनका बेटा उस वक्त 25 साल 30 साल का हो गया था। ये नारायण दत्त तिवारी का एग्जाम्पल है। तो इसको राजनीति इस पे मत करिए, आप कानून के ऊपर, आप माननीय जज न्यायालय में जाकर के अपनी चीजों को करिए। हमारा संविधान कई बार ऐसे एग्जांपल सेट कर चुका है, इतिहास के पन्नों में कई ऐसी चीजें दर्ज हैं कि हाँ, नहीं संविधान नहीं सड़क सेट कर देता है। एंकर महोदय, मैं आपको बताऊं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, सड़क पे अगर गलती से भी किसी ने किसी महिला, ये पूरे मैं भारतीय समाज और पूरे दुनिया में बोल रहा हूँ, आप सड़क पे किसी के साथ छेड़खानी कर दीजिए, पब्लिक टॉलरेट नहीं करती है। और इन लोगों के साथ 5-5 साल 10-10 साल तक इस तरह की घटना चलती रहती है। ये इनके घर वाले, इनके नेता, जितने लोग बैठे हैं सब टॉलरेट करते रहते हैं। ये चीज आपने फोन नंबर से इमीडिएट क्यों नहीं फोन किया? देनी चाहिए जिस वक्त हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कई और अहम सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। ठीक है जावेद जी, बिल्कुल गलत है। देखिए अगर वो आरोप लगाते तो एक बार को मान लेते कि भाई राजनीति कर रहे हैं। ये ओलंपियंस हैं, कॉमनवेल्थ के मेडल लेके आए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल लाए, ये कोई बच्चे नहीं है, ये देश के सम्मानित नागरिक हैं। और मिश्रा जी की बात से मुझे बड़ा दुख हुआ, यही तो मैं उन्होंने तो रहा हूं कि उस वक्त 100 नंबर पे फोन क्यों नहीं किया? मैंने आपको बीच में नहीं बोला, इतने ताकतवर महिलाएं पुरुष परिवार, मैंने बीच में नहीं बोला ना, ये गलत तरीका होता है। मैं बीच में नहीं बोला तो आप भी ठीक है। जावेद जी अपनी बात को पूरा करिए। ठीक है, अरे आप तो हर मुद्दे में बीच में घुसे रहते हैं, जो आपका मुद्दा नहीं है उसमें भी आप घुसे रहते हैं। आप बीच में क्यों? ये बीच में प्रियंका गांधी क्यों बीच में गई मुझे बताइए, न्यायालय का मामला है तो प्रियंका गांधी क्यों बीच में गई? चलिए ठीक है, न्यायालय का है,
आप करैक्टर पे सवाल उठा रहे हैं, आप देश के पहलवान के करैक्टर पे सवाल उठा रहे हो। नहीं नहीं, उन्होंने देश के पहलवान पे करैक्टर पर सवाल नहीं खड़ा किया। जावेद जी आप समझे में मर्डर का कोर्ट उठाओ, टीवी पे करा मैंने मर्डर किया और आप उसका समर्थन कर रहे हो। मित्रों शर्म आनी चाहिए आपको। मैं नहीं नहीं शर्म मुझे नहीं। जावेद जी एक मिनट क्लियर कर दूं, जावेद जी उन्होंने किसी के करैक्टर पर सवाल नहीं खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के खिलाफ अत्याचार होता है तो कभी आवाज को उठाया जाना चाहिए। कब कब ब्लेम करनी चाहिए थी, याद करनी चाहिए थी, 12 साल पहले करनी चाहिए थी। कानून पता है आपको? अंसारी जी कानून सबको पता है। ठीक है, एके मिश्रा जी सुन लेते हैं, एके मिश्रा जी सुन लेते हैं ना। देश पहलवानों के साथ जो कुछ भी हुआ है सब मिलना चाहिए। अंसारी जी एके मिश्रा जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं और भदौरिया साहब भी कह रहे हैं। सर हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर राजनीति हो रही है तो इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। सच क्या है सबके सामने आना चाहिए। लेकिन राजनीति सुन लीजिए, राजनेता जो राजनीति कोशिश कर रहे हैं उस पर यहाँ पर बातचीत हो रही है, मुद्दे की बात नहीं। सुन लेते हैं एके मिश्रा जी, जो आपने कहा है उसी के सवालों का जवाब मैं लेता हूँ। ठीक है जावेद अंसारी जी, लेकिन एक लाइन में क्लियर कर दूं, जावेद अंसारी जी वो कह रहे हैं कि अगर किसी के खिलाफ अत्याचार होता है तो तभी अगर आवाज उठाई जाए तो बेहतर रहता है, उनका ये क्लियर मैसेज है। वो किसी के कैरेक्टर पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। जावेद अंसारी जी अपनी बात को पूरा करें। कौन से कानून में लिखा है तभी सवाल उठाना चाहिए, तभी कंप्लेन करनी चाहिए? बताइए कौन से कानून में लिखा है, तब नहीं कर सकते आप? ये कह रहे हैं कि अत्याचार सहते रहे। अपना आर्ग्यूमेंट जो है ना सपोर्ट करिए कानून से। सौ नंबर जांच कमेटी बैठी थी, क्या रिपोर्ट आई बताइए? अगर आपने 5 साल पहले 100 नंबर पे फोन किया होगा, चलिए ठीक है, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी हम किसी को जस्टिस देने के लिए नहीं बैठे हैं। हम किसी के जस्टिस नहीं दे रहे हैं। जावेद अंसारी जी मेरी भी तो सुन लीजिए ना सर, डिबेट मेरी है, कह रहा हूँ। जावेद अंसारी जी सुनिए जरा, जावेद अंसारी जी बौखलाने से नहीं होगा सर। मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, एक मिनट जावेद अंसारी जी सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ना आप जस्टिस, एक मिनट एके मिश्रा जी सुन लीजिए, एके मिश्रा जी हम जनता को जाना चाहते हैं, मुद्दे की बात हम डाउन नहीं करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम जस्टिस देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, उसके लिए कोर्ट है। हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीतिक लाभ उठाने का, एक मिनट सर सुन तो लीजिए, मकसद क्या है? जावेद अंसारी जी सवाल भी तो है कि राजनीतिक लाभ आप उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप इंसाफ की बात उठा रहे थे, जब मॉडल मेडल लेके आए थे तो फोटो खिंचवा रहे थे तो राजनीतिक लाभ ले रहे थे मोदी जी? बताइए भाई, तब ये फोटो खिंचवा रहे थे मोदी जी को पता था ना क्या था। आज वो बच्चिया प्रॉब्लम में तो बड़ी बड़ी सरकार की और गर्व किया था, हमें गर्व है इस चीज के लिए। अरे आप भाजपा के नेता हो क्या? ठीक है, अच्छा बोल रहे हो। एक मिनट सर, वो एके मिश्रा है भाजपा के नेता, राजनीतिक विशेषज्ञ। ठीक है, मैं किसी का नेता, मैंने तो एक सवाल पूछा कि उसी वक्त अगर 100 नंबर पे फोन किया होगा, किसी ने कंप्लेंट की होगी तो उसका रिकॉर्ड होगा, वो मीडिया के सामने ले आइए। क्यों नहीं उस वक्त फोन किया? क्या 100 नंबर नहीं चलता था उस वक्त? जावेद जी राजनीति पर आते हैं। मेरा मुद्दा आज का राजनीति पर है कि भैया राजनीति लाभ लेने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है। जावेद जी अपनी बात को पूरा करेगा। एके मिश्रा जी अपील है आपसे कि आप सुनेंगे। ठीक है जावेद जी, ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कोई राजनीतिक लाभ नहीं ले रहा है। ये वो लड़कियां हैं, कोई बच्चियां नहीं है या कांग्रेस के नेता नहीं है, वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया पूरे विश्व के पटल पे, इतने बड़े बड़े मेडल जीते हैं। अगर वो कुछ कह रहे तो उनको सुनना चाहिए, यहाँ कांग्रेस बीजेपी का सवाल ही नहीं है। लेकिन आप अगर लड़कियां कह रही है, उन्होंने खिलाड़ी है, एक मिनट सर, और भी जो खिलाड़ी है वो भी समर्थन नहीं कर रहे हैं ना। पीटी उषा का बयान तो आपने सुना होगा, और भी अन्य खिलाड़ी है वो वहां पर नहीं बैठे हैं। सवाल तो ये भी है ना, मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया है सर, बस। किसी के समर्थन करने से कोई सही और गलत नहीं हो जाता है, तो वही तो हम भी कह रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन करने से सब कुछ हुआ कर रहे हैं। एक मिनट के मिश्रा जी, जावेद जी मैं भी तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कांग्रेस सारी बातें ठीक नहीं हो जाएंगी ना।
या पत्रकार का जवाब दूं या आपका जवाब दूं, पहले तय कर लो। एक मिनट सर, एक मिनट, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो? नहीं जावेद जी, पुलिस से पूछिए सवाल, सरकार से सवाल पूछ चुके हैं। भदौरिया जी से तो मैंने सवाल पहले ही पूछा कि ये देश की विडंबना है अगर कोई खिलाड़ी इतने दिन जंतर मंतर पर बैठा रहता है। सर आप हम पर आरोप मत लगाइए कि हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं सरकार से। हमने, मैं मिश्रा जी ने कहा था, मैं उस बात से बहुत सहमत हूँ। मिश्रा जी ने बिल्कुल बिंदु बार बात कही है, वो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को हजम नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई ने हजम नहीं होती। मैं मिश्रा जी ने कहा था, मैं उस बात से बहुत सहमत हूँ। मिश्रा जी ने बिल्कुल बिंदु बार बात कही है, वो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को हजम नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई ने हजम नहीं होती। अब सवाल है, एके मिश्रा जी आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी से फिर मैं आपसे भी सवाल लेता हूं। ठीक है, भदौरिया जी सुनिएगा, सुनिएगा, एके मिश्रा जी किसी आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषण से सटीक विश्लेषण करेंगे। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, देखिए बड़ी टेक्निकल चीज है कानून में, किसी भी महिला के साथ अगर अपराध होता है तो कानून, पुलिस सबको ये गाइडलाइन है कि पीड़िता का परिचय, फोटो, नाम वगैरह नहीं बताया जाता है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मटेरियल होता है। यहाँ तो ये लोग उल्टा ही कर रहे हैं, ये तो चाह रहे हैं कि कितना क्या कितना एक्सपोज कर दें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि देखिए, कोई भी मामला अगर माननीय न्यायालय में चला जाता है तो वहाँ राजनीति और राजनीतिक पार्टियों सबका स्कोप खत्म हो जाता है, फिर धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ होना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। माननीय न्यायालय से एक रिक्वेस्ट है, जितने पार्टी के नेता हैं एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजे, जितने पीड़िता हैं वो तो रहेंगे ही, एक ज्यूरी अलग से बनाए जो कोर्ट में अवेलेबल रहेगी। ज्यूरी उनको बोलते हैं, समाज के कुछ सम्मानित लोगों को भी वहां बैठाया जाएगा और वो भी सारे कार्रवाई को सुनेंगे और उसके भी डिसीजन लेने में वो सहयोग कोर्ट को प्रदान करते हैं। इनको बोलिए जो इनकी महिला आयोग है, जो इनके नेता है, कोर्ट में गया हुआ है, वहां जाके अपना नाम लिखाए कि भाई मैं एक पार्टी बनती हूँ, मैं इनके फेवर में बनूंगी, मैं पूरे कार्रवाई में मदद करूंगी, जो होगा डेली मैं कोर्ट आऊंगी जब केस होगा। तो जो जहां इनको अपना समर्थन देना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, माननीय कोर्ट में जाके ये एक अपील दायर करें कि पीड़िता की तरफ से मैं इस रोल में रहूंगा, मैं वकील रहूंगा या मेरी वकील रहेंगी, मैं ज्यूरी मेंबर बनूंगा। वहां ये जाएंगे नहीं, जंतर मंतर जब चीजें न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में चली गई तो फिर जंतर मंतर का उसका क्या स्कोप है? पीड़ित, पीड़िता, अपराधी सब सबके लिए जो है वो न्यायालय में जाकर के वहां पे जब डेट हो, सुनवाई हो, साक्ष्य करें ताकि जल्दी से जल्दी न्याय हो। ये तो अगर आप राजनीतिक प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब है न्यायालय में केस अलग चलता रहेगा, राजनीति आप न्यायालय के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि सरकार के ऊपर। अब अगर मामला न्यायालय में है तो आपको सम्मान या आपको निर्णय मिलेगा, जवाब दीजिएगा, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आप लोग वहां पर पहुंचे, या मीडिया आपको फैसला सुनाएगा, या एके मिश्रा आपको फैसला देंगे, फैसला कोर्ट देगा, तो कोर्ट के सामने जाके ये अपील करिए।